नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है एक चैनल है जो कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको हिंदी में और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस की सारी जानकारी हिंदी में ऑन चार्ट प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाता है। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हज़ारों लाखों रुपये जो कि ट्रेडिंग के नाम पर बिगड़ सकते हैं उनको बचा लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटन कंपनी की, जो कि एक ज्वेलरी फील्ड में काम करती है या ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ, ये बॉक्स में जो आप देख पा रहे होंगे एक नैरो रेंज बना लिया था इसने, ये यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर में ये 1345 और 1320 25 पॉइंट की इसने रेंज बना रही थी और 5 से 6 सेशन उसी में निकाल दिए। वो फाइनली आज इसने अच्छी गिरावट दी है, करीबन इसने ओपन कहाँ किया है, इसने ओपन किया था 1321 और ओपन हाई सेम था और वहीं से गिरता गिरता 1290 तक आया है ये। दोस्तों, एक तो ये कि इसने जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, ठीक है, वो भी इसका बियरिशनेस कल ही हमें पता चल जाना चाहिए यदि अपना कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक आती है। और अगर आपको नहीं आती, अगर आप उसे सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। या आने वाले दिनों में यदि आप कैंडलस्टिक चार्टिंग पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं अपने चार्ट पे वापस। दोस्तों, एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है इस पर, दूसरा ये कि कल जो बजट आने वाला है जुलाई में, जो 4-5 तारीख को बजट आने वाला है, उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि गोल्ड पर कुछ ड्यूटी और बढ़ सकती है। लगातार 2 या 3 बजट से ऐसा हो रहा है कि गोल्ड पर ड्यूटी बढ़ती जा रही है। तो ये ज्वेलरी सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर है और उसी के चलते टाइटन कंपनी में आज भारी गिरावट हमें देखने को मिली। कल हो सकता है अनाउंसमेंट आ जाए इसके लिए पॉजिटिव लेके आए या नेगेटिविटी लेके आए, तो हमें कल इस पर नज़रें बनाए रखनी है। यदि कल अच्छी खबर आती है तो ये वापस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, और अगर कल बुरी खबर आती है तो वापस ये यहाँ से नीचे चल देगा और हो सकता है ये 1150-1100 की रेंज में हमें वापस देखने को मिल जाए। तो कल इस पर ध्यान रखिएगा। और यदि आपको इस वीडियो में दी जा रही जानकारी पसंद आती है, आप उसको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद करें।